गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस के जो सेंटेंस हैं उनको इंटरचेंज कैसे करते हैं। ठीक है, कल और उससे पहले जो वीडियो आई थी उसमें हमने सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट के सेंटेंसों को इंटरचेंज किया था। आज हम जो हैं सिंपल फ्यूचर जो है उनके सेंटेंसों को इंटरचेंज करेंगे। इसमें थोड़ा सा परिवर्तन है, उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो उदाहरण के साथ देखते हैं। देखिए, पहला उदाहरण है सी विल बी वेरी गुड नर्स। ठीक, इसमें जो है वो कह रहा है इसको डबल इंटरोगेटिव में चेंज करो। डबल इंटरोगेटिव, तो डबल इंटरोगेटिव के लिए मैंने कल भी बताया था, हम सबसे पहले इसका जो रूल है उसे लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी ऑब्जेक्ट ओ डब्ल्यू और लास्ट में हमारा है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हमारे पास एक वर्ड ऑर्डर है, इसके अकॉर्डिंग हमें अब ये वाला सेंटेंस रखना है। तो जब हम इस वाले सेंटेंस को इसके अकॉर्डिंग रखेंगे तब हमारा वो डबल इंटरोगेटिव में चेंज हो जाएगा। ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ। सबसे पहले वो कह रहा है क्यू डब्ल्यू, तो क्यू डब्ल्यू में हमने वाई मान लिया, वाई। ठीक है, उसके बाद हमारे सूत्र के हिसाब से वाई विल, सब्जेक्ट आएगा सी, सी के बाद नॉट बी, अब हमारा क्या रह गया ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हमारा ये है वेरी गुड नर्स और लास्ट में हमारा है क्वेश्चन मार्क। तो ये जो सेंटेंस अब हमने लिखा है ये हमारा डबल इंटरोगेटिव में बदल गया। ठीक, अब यहाँ से अगर हम इसको यहाँ पर ही रहकर इसको समझने की कोशिश करें तो कैसे बनेगा। सबसे पहले हमें यहाँ पर क्यू डब्ल्यू क्वेश्चन वर्ड लिखना है, यानी क्यू डब्ल्यू, तो वाई लिखेंगे, वाई के बाद इस विल को हम यहाँ बाहर करेंगे, सब्जेक्ट को अंदर लाएंगे, नोट है तो नोट लिखेंगे, नोट के बाद यहाँ पर बी लगाएंगे और बी के बाद हमारा ये जो बाकी का हिस्सा है इसको हम ऐसे ही सेम रख देंगे वेरी गुड नर्स। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इस वाले सेंटेंस को जो कौन सा भी तरीका तुम्हें आसान लगे, वैसे ही अगर तुम नियम लिखोगे, नियम लिखने से थोड़ा आसान हो जाएगा, बिना नियम के बहुत कठिन है। यानी जो शुरुआत के बच्चे हैं, जो सीखने वाले हैं, उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। अब देखें दूसरा सेंटेंस, आई शैल नॉट बी वेरी गुड प्लेयर। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हमारा केवल इंटरोगेटिव यहाँ से मान के चलते हैं उसको, यहाँ से, यानी विल सेल का प्रयोग। अब हम उसको कैसे करेंगे, देखिए मैं करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम उसको जो है इंटरोगेटिव में बदलना है, तो हमें यहाँ पर जो दे रखा है सूत्र के हिसाब से हमारे पास, क्योंकि सब्जेक्ट है तो सेल को बाहर रखेंगे, सब्जेक्ट अंदर आ जाएगा सेल आई, इसमें नोट है क्योंकि नेगेटिव है, हमारे सूत्र के हिसाब से जो सिंपल इंटरोगेटिव होते हैं उसमें नोट को नहीं मानते, तो सेल आई नोट हट गया, बी बाकी सब ऐसे है वेरी गुड प्लेयर। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो ये जो सेंटेंस है हमारा सेकंड नंबर का, ये हमारा अब इंटरोगेटिव में चेंज हो गया, हमने इसको जो है इंटरचेंज कर दिया है नियम के अनुसार। तो ये हमारा नेगेटिव था, हालांकि ये जो नोट है नोट को हम यहाँ लिख सकते हैं सब्जेक्ट के बाद में, लेकिन कुछ नियम है, कुछ रूल है, उसकी वजह से हम जो है इसको नहीं लिखते, वो भी बताऊंगा मैं कारण क्या उसका। तो अब देखते हैं तीसरे नंबर का सेंटेंस, विल यू बी इन द स्कूल। वो कह रहे थे सिंपल फ्यूचर बनाना है। इसमें सबसे आसान तरीका क्या है सिंपल फ्यूचर बनाने का, कि हम या तो सूत्र लिख लें उसके हिसाब से बनाएंगे। ठीक है, इसे मैं मिटा दूं जरा, पहले हम वो कह रहा सिंपल फ्यूचर, तो सिंपल फ्यूचर का सूत्र लिखेंगे हम पहले, ये बहुत जरूरी है, ये नियम जो है सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट और डब्ल्यू, ये हमारा सिंपल फ्यूचर का नियम है। इसके अकॉर्डिंग देखो सब्जेक्ट क्या है हमारा यू
उसके बाद विल, फिर बी, बाकी सारा हमारे पास ऑब्जेक्ट है इन द स्कूल। ठीक है, क्वेश्चन मार्क है इसमें, लेकिन यहाँ मिलेगा हमारे पास। तो ये तरीका है, इस तरीके से हम सिंपल फ्यूचर जो हमारे सेंटेंस हैं सिंपल फ्यूचर के, उनको हम जो है इंटरचेंज कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि उसमें हमें जो इसके रूल्स हैं वो याद रखने पड़ेंगे। सिंपल फ्यूचर में सिंपल का नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव, ये नियम याद होने चाहिए, तभी हम उसको लिखकर उसके अकॉर्डिंग उन शब्दों को रख सकते हैं। तो नियम के हिसाब से रखोगे तो बनाना बहुत आसान हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने सिंपल फ्यूचर टेंस के जो इंटरचेंज हैं वो करने सिखाए हैं। तो हमें उम्मीद है कि तुम्हें समझ में आए होंगे। फिर समझ लो, ये हमारा पहला सेंटेंस था, ये दूसरा, ये तीसरा, नियम के अकॉर्डिंग करोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। ये हमारा तीसरा सेंटेंस कंप्लीट, तो ये हमारा सिंपल में बदल गया। तो आज की इस एक्सरसाइज, आज की इस टॉपिक में जो है हमने जो है सिंपल फ्यूचर के किए हैं। अब मैं जो है एक एक्सरसाइज दूंगा, तो उस एक्सरसाइज को जो है सिंपल फ्यूचर की है होगी वो, तो वो इंटरचेंज करनी है। ठीक है, और उसे ध्यान से करना, समझना, और फिर देखना कि तुमने कितने सही किए हैं। और एक्सरसाइज जो है वो मैं जो हमारे ग्रुप है बच्चों का उसमें डालता हूँ, तो उम्मीद है सही बच्चे देखते होंगे और उसे करने की कोशिश करते होंगे। तो मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।